हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द ऑल न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो है ये थोड़ी टेक्निकल रहने वाली है, जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपना माउंट्स के साथ और अपने फ़ोन के साथ हेलमेट के थ्रू आप मोटो व्लॉगिंग कर सकते हैं। और मैं सब आपको इक्विपमेंट्स जो भी मतलब उसमें लगेगा, एक्शन प्रो जो भी लगेगा, माउंट्स लगेंगे, वो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि आप वो कैसे लगा सकते हो और वो कितने के आएंगे। ज़्यादा नहीं है, 300 से 400 रुपये में सब कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि आप कैसे वो अपने हेलमेट पे लगा सकते हो। जैसा कि आप पीछे वो हेलमेट देख रहे हो, जिस पे मैंने ऑलरेडी सब कुछ लगा के रखा हुआ है, फ़ोन भी लग रखा है इस पे, और मैं आपको अब दिखाऊंगा एक एक करके, ये सब खोल के फिर आपके सामने दोबारा से एक एक चीज़ लगा के दिखाऊंगा कि आप ये कैसे कर सकते हो। तो चलो सीधा टेबल पे मिलते हैं, जहाँ पे मैंने सब माउंट्स रख दिए हैं, और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि आप कैसे कर सकते हो ये। सो गाइज, आपको अपना सेटअप तैयार करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो चाहिए आपको हेलमेट। मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई आप थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लें, ये 300 या 700 वाला मतलब है, क्योंकि उसमें यह रहता है अगर आप यहाँ पे हेलमेट के आगे जो भी माउंट करोगे अपना फ़ोन, तो उसकी पैडिंग इतनी अच्छी नहीं रहती, जिसकी वजह से हवा अंदर घुसती है और आपको वो ऐसे ऐसे हिलता रहेगा तो आपकी क्या ही रिकॉर्डिंग आगे आएगी। तो एक अच्छा सा हेलमेट लें, और अगर आप ये हेलमेट लेना चाहते हो, स्टील बोट का है ये, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको इसकी वीडियो भी देखनी है तो वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप जाके वो वीडियो भी चेक करना। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। आपको एक हेलमेट चाहिए और साथ में आपको चाहिए एक स्ट्रैप, जो कि आपको अमेजोन से मिल जाएगा, मैंने भी अमेजोन से मंगवाया है। इसका जो लिंक रहेगा वो भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा। बेसिकली ये जो स्ट्रैप है, एक साइड से रबर का है और ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल प्लास्टिक है, इसको आपको जितना टाइट हो सकता है उतना टाइट इसके आगे माउंट करना है। तो जैसे आप ये देख रहे हो, पहले क्या होता था, इस हेलमेट के आगे हम एम सील्स लगाते थे, एम सील लगाने के बाद उसके ऊपर हम स्ट्रैप लगाते थे, जो आपको पता होगा पहले, इसके पहले जो हम जिस तरीके से माउंट करते थे एम सील लगा के। पर अब हमें एक्शन प्रो मिला है, और एम सील से क्या होता है कि भाई हेलमेट भी ख़राब हो जाता है और वो थोड़ी लुक भी ऑड सी आती है। तो उसके लिए आप सबसे बेस्ट रहेगा, 250-200 का मिल जाएगा ये, आप मेरे लिंक पे जाके चेक कर लेना, अमेजोन से मिल जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, जैसे हम स्कूल्स में जाते थे बेल्ट लगाते थे, बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है। इसमें ये क्लिप्स हैं, दो साइड की क्लिप है, और एक साइड ये है और एक इस साइड का है। आपको ये उठा के जैसे हम बेल्ट के अंदर घुसाते हैं, ये देख लो, इसके अंदर डालना है, यहाँ डालने के बाद ये यहाँ से खींचना है जब तक टाइट नहीं होता ये, और फिर जैसे ही टाइट हो जाएगा तो ये आपको लॉक कर देना है। ये सेम टू सेम प्रोसेस हम हेलमेट पे करते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं हेलमेट के साथ। और ये ऐसे रहेगा, मतलब ये जो ऊपर वाले दो क्लिप्स हैं ये ऊपर की तरफ रहेंगे, जिसको हम अंदर डाल देते हैं सीधा करके, और ये नीचे वाले जो फ्री क्लिप्स हैं ये नीचे की तरफ रहेंगे। आपको बस पोजीशन का रखना है कि एकदम एग्जैक्ट पोजीशन में, सही पोजीशन में ये रहे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, ये है परफेक्ट पोजीशन इसकी। अब आपको क्या करना है, नीचे से इस साइड का जो ये स्ट्रैप है इसको इसके अंदर घुसाना है, और जैसे मैंने बताया इसको फिर यहाँ से टाइट करना है। तो सबसे पहले हम ये लगा देते हैं। Few moments later. तो गाइज चेक करो, हमने एकदम से टाइट बहुत ही ज़्यादा टाइट तरीके से इसको हमने बंद कर दिया है। आप अंदर से चेक कर सकते हो, एकदम क्लिप्स बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बंद किए हैं, जितना टाइट हो सके उतने टाइट से इसको बंद करना है। और ये देखो, ये आगे से कुछ इस तरीके से लगेगा, बिल्कुल हिलेगा नहीं, बहुत ही ज़्यादा टाइट कर दिया है हम इसको। अब भाई इसके बाद जो सिस्टम आता है, ये देखो मैंने अमेजोन से सब माउंट्स मंगवा दिए हैं, इसका भी जो लिंक रहेगा आपको डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जाओ लेना है तो क्लिक करके वहाँ पे चेक करो और वहाँ से ले लो। और सबसे पहले इसको खोलते हैं हम, इसके अंदर ये है जो भी है, एक ये है भाई, ये तीन चीज़ें भाई इसके अंदर हैं। बेसिकली ये जो है ये मोबाइल होल्डर है, ये बाकी के माउंट्स हैं, और ये भी माउंट्स हैं। एक ये चेक करो, ये है जिस पे मोबाइल होल्ड होगा आगे इसके जो लगेगा यहाँ पे, और ये दूसरा वाला, ये भी खोलते हैं। तो बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिए गए हैं ये स्ट्रैप्स और ये सब। मैंने ये ज़्यादा वाला ही मंगवा लिया था, क्योंकि एक तो अच्छे प्राइस में मिल रहा था, और इन केस अभी कुछ टूट जाता है तो भाई
एक तो मिलेगा नहीं, तो इससे अच्छा मैंने हर एक चीज़ दो दो मंगवाई है। आप चाहो तो एक मंगवा सकते हो, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट्स है वैसे मंगवा सकते हो। ये 3mm टेप्स के साथ आप ये अपने बाइक पे फ्रंट व्यू या बैक व्यू के लिए ये ले सकते हो। इसको हम साइड पे रखते हैं, इनका कोई यूज़ नहीं अभी। और बेसिकली ये जो है ये हमें ज़रूरत है, और ये जो है इसको भी साइड रखते हैं क्योंकि ये भी अभी काम की चीज़ नहीं है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो है ये आपको अलग से मिलेगा और ये वाला आपको अलग से मिलेगा। हम इसको खोलते हैं, ये स्क्रू सिस्टम है पूरा, एकदम स्क्रू घुसाना है निकालना है। आप इसके सामने भी ये लगा सकते हो, जस्ट इसके सामने एकदम यूं करके और ये इसके अंदर घुसा के। देखो आपने ये लगा दिया, आप ऐसे भी इस पे मोबाइल होल्ड कर सकते हैं, मोबाइल एकदम अच्छे से हो जाएगा, आपका शूट भी होगा। पर इसमें एक दिक्कत ये है, आप मेरी मानो तो आपके दो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन वाले माउंट ले लो, क्योंकि भाई इस पे जब आप हेलमेट लगाओगे, कैमरा ऑन करोगे, तो आपको दिखेगा नहीं कि भाई रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। पर अगर आप जब ये लगाओगे तो ये वाला माउंट है ये यहाँ पे आ जाएगा, इतनी लेंथ के आगे आ जाएगा। मतलब अगर ये अभी यहाँ पे है, एक्सटेंशन लगाने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको इजीली अंदर से दिखेगा कि आपका कैमरा ऑन है नहीं है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, बट मेरी मानोगे तो ये सबसे बेस्ट रहता है कि आप इसको थोड़ा सा और आगे कर दो। ये भी जस्ट 150 के आसपास के 3-4 मिल जाएंगे आपको इजीली। इसके भी जो भी लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक करना। पहले हम इसको लगाते हैं इसके आगे, और ये बेसिकली कुछ नहीं है, प्लग एंड प्ले वाला काम है। जस्ट इसके अंदर घुसा दिया और इसको यहाँ से, ये देखो स्क्रू दिया हुआ है, सुराख भी दिया हुआ है, अंदर घुसा दो और इसको टाइट कर दो, पूरा टाइट कर दो, अच्छे से टाइट कर दो इसको। और क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये घुसवाने के बाद इसको इसके अंदर डालना है। ये चेक करो, अब इससे ये हो जाएगा कि ये थोड़ा सा और आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाएगा और आपको अच्छे से व्यू दिखेगा कि भाई आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, वो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इधर से स्क्रू इसको टाइट कर दो। ओके ओके, ऑलमोस्ट हो गया ये वाला। ये देखो गाइस, ये टाइट हो गया है, एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए ये। अब उसके बाद आता है लास्ट, इसको इसके अंदर डालना है और कुछ नहीं करना, ये वाला स्क्रू इसके अंदर घुसा देना है यहाँ से, और इसको भी टाइट कर देना है जितना टाइट हो सकता है आपसे। इसको सामने रख के और इसको टाइट कर दो। ओके, तो ये चेक करो। अब ये है क्या हुआ है, यहाँ पे पहले ये वाला जो माउंट था वो एकदम इसके पास में था, जिससे आप अगर हेलमेट लगा के प्ले करोगे तो आप देख नहीं पाओगे कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है या रिकॉर्ड हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। बट अब क्या होगा, आप इजीली देख पाओगे कि आपके फोन में क्या रिकॉर्ड हो रहा है, और आप आगे भी देख पाओगे, रोड पे भी कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। और ये देखो कितना टाइट है, ऐसा नहीं है कि ये टूट जाएगा, बहुत ज़्यादा आप टाइट कर लेना इसको, क्योंकि ये स्क्रूज है, जस्ट घुमाना ही है इसको। और इसके बाद अब इस पर हम फ़ोन लगा के आपको दिखाते हैं, और फ़ोन लगाने के बाद बाइक पे चलते हैं, फ़ोन लगाते हैं और फिर आपको रिकॉर्ड करके भी दिखाते हैं कि क्या व्यू आ रहा है, कैसा है एक्सपीरियंस। मैं भी फर्स्ट टाइम फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब हेलमेट पे लगा के, तो मैं भी अपना फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बताऊँगा कि कैसा लगता है। तो चलो सबसे पहले नीचे ही चलते हैं, इस पे फ़ोन लगाते हैं। जो ये वाला आप फ़ोन का होल्डर देख रहे हो, ये इजीली ऊपर नीचे हो सकता है, आपकी फ़ोन की जितनी भी ब्रेथ है कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊपर हो जाएगा। और आप भी डर रहे होगे, जो सबसे बड़ा डर मुझे भी लगता है कि भाई यहाँ से फ़ोन गिर तो नहीं जाएगा। बेसिकली देखो, डरना बहुत लाजमी है, क्योंकि ये कुछ ऐसा है कि भाई ट्रस्ट नहीं होता कि भाई फ़ोन गिर जाएगा। बट मैंने 2-3 बार ट्राई करके देखा इसको, एक बार अगर इसके अंदर फ़ोन डाल दोगे तो बिल्कुल नहीं गिरेगा। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप सामने की तरफ राइड कर रहे हो तो एकदम से, अगर आप स्पीड में हो तो एकदम से पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो जो विंड है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी और आपके फ़ोन के गिरने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। और इन केस उसमें ये कंडीशन भी है कि अगर आपने फ़ोन अच्छे से टाइट नहीं किया होगा इसके अंदर। तो चलो बाइक पे चलते हैं, फ़ोन लगाते हैं और सीधा वहीं से रिकॉर्ड करके हेलमेट लगा के आपको दिखाते हैं क्या सिस्टम है। One eternity later. Guys, finally here we are, पूरा सेटअप के साथ। इस टाइम जो आप व्यू देख रहे हो, बेसिकली ये वाला जो व्यू है इसमें मैंने अपना फ़ोन अपने हेलमेट पे लगा दिया है। अब मैं आपको अल्ट्रा वाइड एंगल में दिखाऊंगा, क्योंकि मेनली जो GoPro रहता है वो भी अल्ट्रा वाइड एंगल में ही शूट करता है,
तो मैं अब आपको यहाँ से दिखाऊंगा अल्ट्रा वाइड एंगल में कि व्यू कैसा आ रहा है। देखो पूरा कॉकपिट और सामने का पूरा व्यू दिख रहा है, तो अब हम कोशिश करेंगे चला के भी दिखाएं आपको कि भाई सामने का क्या सिस्टम आ रहा है। करते हैं सीन बंद और आई होप सामने का जैसे रिकॉर्ड तो हो ही रहा है और व्यू देखो एकदम सही आ रहा है। सामने का वो एरिया भी दिख रहा है और नीचे का कॉकपिट भी दिख रहा है। और आप जब भी ये लगाओगे एक बात कोशिश करना है कि आप जो भी एंगल है इसका वो सेट करके ही लगाओ। एक बार एंगल आप भी चेक कर लेना कि भाई सही एंगल पे कैमरा भी लगा है या नहीं लगा है। जैसे मेरा तो भाई एकदम सही एंगल आ रहा है, देखो पूरा कॉकपिट दिख रहा है, सामने का व्यू दिख रहा है। तो बेसिकली जो हम करना चाह रहे थे वो तो सक्सेसफुल हो गया। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई आपका जो कैमरा है सामने से वो एकदम सही पोजीशन में रहना चाहिए। एक दो बार चेक कर लेना कि भाई रिकॉर्डिंग हो रही है और दूसरा चेक कर लेना कि आपका एंगल जो है वो सही है या नहीं है। गाइस हमारा पूरा सेटअप रेडी हो गया है और मैं फ़ोन लेके भी आ गया हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर फ़ोन डाल के कैसा दिखता है और आप कैसे फ़ोन इसके अंदर डालोगे। तो जैसे मैंने आपको ये बताया ये फ्लेक्सिबल है, ऊपर नीचे जाता है आराम से, कुछ नहीं करना है। फ़ोन का कैमरा फ्रंट की साइड रख के इसके अंदर घुसा दो और जस्ट मेक श्योर कि ये अच्छे से इसके अंदर घुसा हो। और अंदर घुस गया है, आप चेक कर सकते हो। तो अब मैं इसको लगा के दिखाता हूँ कि अंदर से कैसा व्यू आ रहा है। तो गाइस ये चेक करो। ओके, तो कुछ ऐसा दिख रहा है अंदर से फ़ोन लगाने के बाद। जैसा मैंने आपको बताया ये जो इसके जो ये माउंट्स हैं जिसकी वजह से फ़ोन थोड़ा आगे चला गया है, इस वजह से क्या हो रहा है आप देख सकते हो। पीछे से मैं दिखाने का ट्राई करूँगा कि स्क्रीन मुझे पूरी दिख रही है कि भाई स्क्रीन में क्या रिकॉर्ड हो रहा है और क्या रिकॉर्ड नहीं हो रहा, अच्छे से दिख रहा है। और कुछ इस तरीके से आप अपना सेटअप बना सकते हो मोटर व्लॉगिंग के लिए। स्ट्रैप लाना है, ये माउंट्स लाना है और फ़ोन लाना है और आपका हेलमेट तो आपके पास होगा, फ़ोन भी होगा। बस 300 रुपये का, सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये का आपको ये एक्शन प्रो वाला स्ट्रैप लाना है। आप ये एक्सटेंशन वाला लाना चाहो आपकी मर्ज़ी, नहीं लाना चाहो इसके बिना भी आप हेलमेट माउंट कर सकते हो। जस्ट ये दो नहीं रहेंगे और ये थोड़ा इसके पास आ जाएगा। और बस इसका एक ड्रॉबैक ये है कि आप देख नहीं पाओगे कि रिकॉर्ड क्या हो रहा है। तो यही सब था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हुई तो लाइक शेयर कमेंट सब कर देना। और इस हेलमेट की अगर अनबॉक्सिंग देखनी है तो जैसा मैंने कहा मेरी प्लेलिस्ट चेक करना, मेरे चैनल पर विजिट करो। आपको अगर ये हेलमेट लेना है तो इसकी अनबॉक्सिंग भी दिख जाएगी। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। यूपी तक फोना विच सेव जट नी मुंडा पिल्ठी दा बिल जहांगीर पिंड दा ओए।